ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो था वो पढ़ चुके थे। ग्रुप 16 हम अपना चल रहा है और ठीक है, तो कौन कनेक्ट हुआ है? नाम बताइए, यहाँ कुछ नाम सुन नहीं कर रहा है। हेलो, हेलो हेलो, ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। आज हम लोग स्टार्ट करें, क्या बोले हम लोग कि ग्रुप 16 अपना चल रहा था और फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पहले से डील कर चुके थे। आज जो हम लोग जो है वो कंपाउंड जो खास करके है वो हम लोग देखने वाले हैं, और सबसे पहले इसमें जो था वो ऑक्सीजन के बारे में और ओजोन के बारे में खास करके यहाँ पे अपने को पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना है डाई ऑक्सीजन। ठीक है, डाई ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड O2। ठीक, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा और अच्छे से इसको, ठीक है, O2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग इसका देखेंगे वो देखेंगे हम लोग लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो ये है इसका लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड कैसे बनता है? अब आप बोलोगे सर पूरे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है तो फिर लेबोरेटरी में बनाने की क्या जरूरत है? अब बनाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, कभी किसी रिएक्शन में काम आ जाएगी तो क्या करेंगे, हवा से निकाल करके थोड़ी डालेंगे। ठीक है, तो क्या ये हम लोग क्या देख रहे हैं? लेबोरेटरी में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, एक तरह से हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। इसके साथ तो KCLO3, ठीक है, पोटासियम क्लोरेट 2KCLO3 को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, और हीट करने के बाद क्या मिलता है, 2 KCl मिलता है, और साथ ही साथ अपने को क्या मिलता है, 3 O2 अपने को मिलता है। आ रहा बात समझ में? ये हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे है, लेकिन खास बात यहाँ से ये है ना कि ये रिएक्शन खास करके ओजोन का ये लेबोरेटरी मेथड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। और खास बात ये है कि इसमें जो बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, काफ़ी पुराने साइंटिस्ट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इनका थ्योरी रहा है प्रचलित। ठीक है, इवन ऑर्गेनिक के भी, ऑर्गेनिक में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो बर्जीलियस का काफ़ी जो है उस समय नाम भी हुआ करता था। तो बर्जीलियस ने ही जो है उस समय कैटलिस्ट के बारे में खोज किया, कैटलिस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इसी रिएक्शन में उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि एक MnO2 डाला था। क्या डाला था? MnO2, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड, MnO2। MnO2 डालते के साथ ही उसने क्या किया कि इस रिएक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, स्पीड अप कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, यहाँ पे एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा था। ठीक है, किसका काम कर रहा था? कैटलिस्ट का। बात समझ में आया? ये किसका काम कर रहा था? कैटलिस्ट का, ये बात ध्यान में रहेगा। और खास बात ये है यहाँ पे, ये चीज पॉइंट ये भी ध्यान में रखना होगा आपको, इस आप देकर के हम लिख दे रहे हैं कि MnO2 शुड बी फ्री फ्रॉम, MnO2 शुड बी फ्री
should be free from, free from, ठीक है, कार्बन, कार्बन, कार्बन से अपने को इसको क्या रखना पड़ता है, फ्री रखना पड़ता है, अलग रखना पड़ता है, अदरवाइज, अदरवाइज, ठीक है, रिएक्ट विल बी, रिएक्शन विल बी, रिएक्शन, रिएक्शन विल बी, ठीक है, रिएक्शन विल बी एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, इसीलिए MnO2 हम लोग इस्तेमाल तो करेंगे इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान में रखेंगे कि जो कार्बन से इसको क्या रखना है, फ्री रखना है, ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा जो है, एक तो ये हो गया अपना लेबोरेटरी मेथड जो हो गया वो हम लोग, दूसरा कैसे कर रहे हैं, तो दूसरा हम लोग कर रहे हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, बाय डिकम्पोजिशन, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, तो ये अपना दूसरा प्रिपरेशन जो है वो हम लोग देखेंगे। लेबोरेटरी तो हो गया, और लेबोरेटरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पहले ही बता चुके हैं। अब कैसे होता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ही अपने को करना है, एक तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट जो हम लोग देखे हैं, रिडक्शन, ठीक है, मेटलर्जी अभी आपका हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ भी अपने को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, एलिंगम डायग्राम वगैरह देखने को मिलता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, ये खास करके वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, यानी एक तरह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, रिएक्शन देखेंगे, 2HGO, ठीक है, और इसको हम लोग हीट करते हैं और टेम्परेचर तकरीबन 450°C होता है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2HG में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये हाफ O2 ये बंद करके बाहर निकल, उसी तरीके से सब इसी पैटर्न में चलेगा, यानी कि यदि हम ले ले Ag2O, ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 350°C की जरूरत पड़ती है, और ये बनेगा क्या, 2Ag बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हाफ O2 जो है ये बन रहा है, तो सब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है, 3MnO2, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, MN3O4, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, ये O2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर अगला इस तरीके से ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन में अगला क्या हम लोग ले सकते हैं, तो 2PbO2 लीड ऑक्साइड, इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो ये किसमें, 2PbO, और साथ ही साथ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए सब बैलेंस्ड है। और लेना चाहे तो ले सकते हैं Pb3O4, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3PbO प्लस हाफ हाफ O2, ठीक है, बेसिकली ये जो है ना, ये जो है ना Pb3O4, ये बेटा आपका मिक्स ऑक्साइड है, ठीक है, मिक्स ऑक्साइड उसको कहते हैं जो दो ऑक्साइड के मिलने से बनता है, तो ये मिक्स ऑक्साइड किससे मिलकर के बना है, 2PbO, और साथ ही साथ ये है PbO2, अंडरस्टूड, ये तो ऑक्साइड से मिलने के बाद बना है। अगला यदि हम इसी तरीके से मिक्स ऑक्साइड ले लें, तो Fe3O4, ये जो ब्रेक होगा, ये किस में ब्रेक होगा, 3FeO, और साथ ही साथ हाफ O2, और ये वाला भी जो है वो आपका क्या है, मिक्स ऑक्साइड में आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किससे मिलकर के बना है भाई, सेम चीज है, तो ये बना हुआ है आपका FeO से, और साथ ही साथ बना हुआ है Fe2O3, किससे मिलकर के है वो आपका बना हुआ है, ठीक है, सब तक। तो ये दूसरा भी हम लोग देखें किसके साथ, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक, तीसरा जो हम लोग देखेंगे, तीसरा जो हम लोग देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, ये टी ब्लॉक में भी पढ़ने को आपको मिलेगा, KMnO4, K2Cr2O7 जो है वो टी ब्लॉक में खास करके हम लोग स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्सेट्रा जो भी, ठीक। तो तीसरा देखते हैं क्या है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑफ KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, ये ऑक्सीड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा थोड़ा सा। ठीक है, ऑर्गेनिक में तो ये खास करके इस्तेमाल होते ही हैं, इनऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल होता है। डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे, खास करके डी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा हम लोग इसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन इसका देखेंगे। तो बेसिकली क्या देखने को आपको मिलेगा, ये क्या रिएक्शन होगा, 2KMnO4। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैंगनीज का क्या है +7। ठीक है, और ये ब्रेक होकर के किस में बन जाएगा, 2। ठीक है, K2MnO2। ठीक है, K2MnO2, साथ ही साथ ये हो जाएगा MnO2, और साथ ही साथ ये बन जाएगा O2, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्लियर है। और इसी का यदि हम लोग ले ले 4K2Cr2O7 4K2Cr2O7 ये ले रहे हैं। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, डिकम्पोज होकर के ये किस में हो जाएगा, 4K2CrO। ठीक है, यहाँ कुछ CrO4। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 2Cr2O3, और साथ ही साथ हो जाएगा 3O2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली सब का सब डिकम्पोज हो रहा है, और ये रिएक्शन हम लोग फिर से जो है, ठीक है, ये +7 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 में आ जा रहा है। तो देख रहे हैं पूरा का पूरा ये जो है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन फिर से हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिर से डी ब्लॉक में हम लोग देखने वाले हैं। फोर्थ जो है डिकम्पोजिशन ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तीसरे वाले में। चौथा जो है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अपने को ये बात तो पहले से पता है कि हम लोग कभी भी वैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हैं जो पूरा न्यूट्रल, न्यूट्रल का हम लोग करते ही नहीं, क्योंकि उसमें जो आयंस बनते हैं वो इतना सफिशियंट नहीं होते। ठीक है, तो एक तरह से हम यू कहें कि यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर का। तो ये देखें कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। यदि हम बात करें एनोड पे, ठीक है, एनोड पे तो कौन सा रिएक्शन होगा, और बात करें कैथोड पर तो कौन सा रिएक्शन, एनोड की बात करें तो यहाँ पे 4H2O। ठीक है, ये क्या देगा आपका, ये बनेगा O2, और साथ ही साथ बनेगा 4H+, और साथ साथ क्या बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे 2H2O, सब बैलेंस करके लिख रहे हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और गिब्स 2H2O, और साथ ही साथ बनेगा 4OH- ये बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग, ये वाला जो O2 है जो किस पे बन रहा है, एनोड पे, दैट इज कॉल्ड एनोड प्रोडक्ट, इसको हम लोग एनोड प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो H2O बना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज, उसके बाद, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद पांचवा हम लोग जाएंगे, फोर्थ देख लिए, फिर हम लोग देखेंगे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, बाय रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बाय रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग चाहे तो ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आप, रेडॉक्स तो हो चुका है क्लास 11th में, तो यहाँ पे बैलेंसिंग का हम बहुत ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे और बताएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें किसका, 2H2O, मतलब H2O2 बेसिकली, 2H2O2। ठीक है, किस में ले रहे हैं हम लोग, एक्वस में ले रहे हैं। ठीक है, और हीट करेंगे यहाँ पे, इसका क्या था, -1 ऑक्सीजन का। ठीक है, और बनेगा क्या, 2H2O। ठीक है, -2 में चला गया, और ये जो ऑक्सीजन बन रहा वो 0 में आ गया। ठीक है, और ये जो होता है आपका H2O2, ठीक है, H2O2 ये बेटा क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और साथ ही साथ किस तरीके से काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है समय आने पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे।
तो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा, ये वाला जो पार्ट है वो आपका काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये वाला जो काम है वो कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही इसके पास। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब उसमें एक केस देख, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे देख, समझ ले कैसे हो रहा है। तो जैसे यदि हम बात करें KMnO4, ठीक है, और साथ ही साथ बात करें हम 5H2O2, ठीक है, साथ ही साथ बात करें 3H2SO4, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा K2SO4+2MnSO4। ठीक है, SO4 बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखेंगे के प्लस और MnO4 में टूटेगा, और ये क्या है H2 और सल्फेट आयन में टूटेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरह से आयन एक्सचेंज हो गया क्या, के पास क्या चला गया SO4, ठीक है, यहाँ पे 3 मोल था और यहाँ से भी SO4 कहाँ चला गया, यानी कि पॉजिटिव वाले पार्ट के पास भी क्या चला गया SO4-, ठीक है, और Mn ये मेटल था, यहाँ भी क्या चला गया SO4-, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका, साथ ही साथ क्या बनेगा 5O2 और साथ ही साथ बनेगा 8H2O। हाँ, इसमें यदि थोड़ा सा कलाकारी करते और ये बोलते कि यहाँ पे हम लोग जो वाटर लिए हैं उसमें 18 वाला ऑक्सीजन है आइसोटॉपिक, ठीक है, आइसोटॉपिक, तो फिर ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा 18। तो ये थोड़ा सा यदि एडवांस की बात करें तो ऐसा इसमें पूछा जा सकता है, आइसोटॉपिक लेवल इनऑर्गेनिक में कम पूछता है, लेकिन पूछ देगा तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 तो आ ही जाएगा, ठीक है, बाकी सब तो बैलेंस किए हुए हैं। इसका एन फैक्टर यदि हम देखें, ठीक है, एन फैक्टर कितना आ रहा है, चेंज कितना का आ रहा है, इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ये कितना है प्लस +7 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है यानी कि 5, सॉरी 2 है, ठीक है, +2 में है, ठीक है, +2 में है, तो चेंज कितना का आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका यदि एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एन बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लें, तो ये जो है यहाँ किस तरीके से काम आ रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम आया, तो जाहिर सी बात है ये कैसा काम आएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आएगा। जो हम कहे थे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होता है, तो यहाँ पे कैसा काम आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आ रहा है। आ रहा है मेरा बात समझ में। दूसरा यदि हम एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले, तो दूसरा क्या हम ले सकते हैं, K2Cr2O7, ठीक है, प्लस उसके बाद 3H2O2, ठीक है, प्लस 4H2SO4, हम सब बैलेंस करके ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, K2SO4+Cr, ठीक है, Cr SO4 का होल 3 + 3O2 + 7H2। ये देखिए, तो यहाँ भी एन फैक्टर यदि आप देखेंगे तो चेंज कितना का आ रहा है, 6 का आ रहा है, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्रोमियम में देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला, ठीक है, और इसका एन फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा वाटर का, इसका भी एन फैक्टर, इसका तो 2 ही रहेगा जैसे कि पुराने वाले में था। तो ये बेसिकली किस तरीके से हम जा रहे हैं, बाय रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हो गया, आप कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो हम लोग है वो देखेंगे कि ये क्या होता है, इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस गैस एंड इट इज सपोर्टर ऑफ कंबसन, एंड ये तो अपने को पता ही है, इट इज सपोर्टर ऑफ
कंबसन, ठीक है, जलाने में मदद करता है, बिना ऑक्सीजन का कोई चीज तो जलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी अपने पास क्या आ जाएगा, दूसरा इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक हम कहाँ से बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एम और टी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। ऐसे तो ये डाइमैग्नेटिक शो करता है जनरली देखने पे, लेकिन हम लोग एम और टी के थ्रू क्या पढ़े थे कि ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो इट हैज थ्री स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है, इट हैज थ्री स्टेबल, ठीक है, थ्री स्टेबल आइसोटोप, ठीक है। कौन कौन सा है भाई, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, ऑक्सीजन का 17 एंड ऑक्सीजन का 18 वाला, ये अपने पास है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और चौथा यदि हम लोग बात करें, फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ यदि हम बात करें, फोर्थ में क्या बोलता है, इट डायरेक्टली कंबाइंस विथ मेटल, ये मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन, क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टी में हम लोग कई बार देखे हैं कि एक्शन विथ ऑक्सीजन तो होता ही, ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट किसके साथ नहीं करता है, तो ये नोबल हो जाता है किसके साथ, तो गोल्ड के साथ, प्लेटिनम के साथ, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ जनरली जो है एकदम ये नोबल हो जाता है, ठीक है। हालांकि सिल्वर के साथ भी हम उसको कह सकते हैं कि नोबल ही रहता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत करता है, ठीक है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ तो एकदम वो एक क्या हो जाता है, नोबल हो जाता है, लेकिन सॉरी रिएक्ट नहीं करता है। ये चीज़ आप भी देखें, आपका आयरन है तो उसमें क्या लग जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है, लेकिन यदि हम गोल्ड पहने हुए हैं तो उसमें कोई भी असर नहीं आता, प्लेटिनम पहने हुए हैं उसमें कोई भी असर नहीं आता, बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इट डायरेक्टली कंबाइंस विथ मेटल, ठीक है, इट डायरेक्टली कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, सॉरी कंबाइंस विथ metals except ठीक है, except Ag, Au and Pt, ठीक है, Ag, Pt and non metals के साथ भी combine करता है ना, and non metals, ठीक है, to form oxides, ठीक है, oxides बनाने के लिए, बात समझ में आया। अब थोड़ा सा और एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में तो जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे कुछ पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से, टाइप्स ऑफ क्या बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, यहाँ पे एक चीज़ और, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में सबसे पहला जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग कर रहे हैं वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, ठीक है, पहला जो हम लोग ले रहे हैं वो किस पे ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, Availability of oxygen, ठीक है, oxygen, इसके basis पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्या देखेंगे, normal oxide, उसके availability पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो normal oxide क्या होता है, तो they contain oxygen as required to satisfy नॉर्मल वैलेंसी, यानी उतना ही वैलेंसी, केवल उतना ही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जितना कि वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है नॉर्मली, ठीक है। दे कंटेन ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू
सेटिस्फाई नॉर्मल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट लाइक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं लाइक Na2O, ठीक है, Na2O देख रहे हैं, सोडियम दो है, ऑक्सीजन एक है, Na2O, MgO, CaO, ठीक है, CO2, it is, ठीक है, तो ये आपका एक तरह से नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा यदि हम बात करें तो क्या होता है, पॉली ऑक्साइड, ठीक है, पॉली ऑक्साइड, इसमें क्या हो जाता है, ये दे कंटेन एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है, दे कंटेन एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन को कंटेन करेगा। अब इसमें भी जो है वो दो आ जाएंगे, ठीक है, इसमें दो आ जाएंगे, दो तीन चार मतलब और भी एक्स्ट्रा है, वो सब बताते हैं आपको। पहला जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में क्या हो जाएंगे एग्जांपल, जैसे कि Na2O2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O2, ठीक है, Be2O2, ठीक है, BO, ये होगा BO2, उसके बाद क्या होगा SRO2, ठीक है, ये ऐसा, ये पेरोक्साइड हो गया। दूसरा यदि हम बात करें सुपर ऑक्साइड की, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, KO2, ठीक है, PbO2, ठीक, CH2O2, ये, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, क्या बात ध्यान में रखेंगे, ऑल दिस एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, All these, एक मिनट थोड़ा रुक जाते हैं, तो भी रेस्ट कर लेने देते हैं। देखते हैं अभी लिख के, ठीक है, All these act as good oxidizing agent. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट भी कहा जाता है, एंड ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे ये काम आते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दे 2K2O2, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा K2CO3 प्लस 3/2O2, ये बनेगा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं,
और क्या ले सकते हैं, Na2O2 प्लस CO, ये बन जाएगा आपका Na2CO3, ये बनता हुआ नजर। तो ये किस तरीके से एक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी नजर आता है। मेन बात ये, ठीक है, मेन पॉइंट ये है। ठीक, अब हम तीसरा बात करें, दूसरा तो हुआ, तीसरा हमारे पास कौन सा है, तो तीसरा हमारे पास है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में दे कंटेन लेस ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड, ठीक है, दे कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन एज दे रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, N2O, ठीक है, CONO, इसमें क्या है, लेस ऑक्सीजन एज दे रिक्वायर्ड। उसके बाद चौथा क्या जाएंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड में क्या है भाई, मिक्स ऑक्साइड पहले भी बता चुके हैं, अभी दो ऑक्साइड के मिलने से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, Pb3O4, ठीक है, Fe3O4, ठीक है। उसके बाद एक होता है SSQ ऑक्साइड, नाम अलग है बस, लेकिन ध्यान में रखें पूछ दिया तो, ठीक है। पांचवा क्या देखेंगे, SesQue, SesQ ऑक्साइड, SesQ ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या था, L2O3, और क्या था, LN2O3, ये, ठीक है, ऐसा। अब इसमें पहला तो हम लोग देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड को लेकर के जो है, सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं ना, फिर से रिवीजन हो जा रहा है। एसिडिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल N2O3, ठीक है, N2O4, N2O5, ठीक है, SO2, SO3, इट इज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा आपके, एसिडिक ऑक्साइड। और ये एसिडिक ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी बताते हैं, जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट किया N2O3, क्या किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, तो ये आपका बनाएगा ऑक्सी एसिड, ठीक है, 2HNO2, इसका फॉर्मेशन कर देगा ऑक्सी एसिड का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर देगा ऑक्सी एसिड का, या फिर ये जो है आपका हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, इसी में एक तो ये हो गया और दूसरा क्या, Na2O का रिएक्शन, ठीक है, यदि किसके साथ कर दे, वाटर के साथ, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन, ये क्या था, एसिडिक वाला, ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये वाटर के साथ किए तो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्सी एसिड्स बनाए, ठीक है।
और यदि बेसिक ऑक्साइड हम लिए हुए हैं NaOH, सॉरी मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और बेसिक इन नेचर को यदि हम डालेंगे वाटर में, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड का, यानी कि बेस का एक तरह से। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, 2NaOH, और ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या है आपका एसिडिक वाला, ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपका क्या है एसिडिक, और ये आपका क्या है बेसिक, ठीक है, बेसिक, बेसिक, ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग दूसरा देख रहे हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ये तो इसके साथ रिएक्शन बता दिए साथ में, दूसरा क्या है बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड वही जो किसका होगा, मेटल के, ठीक है, जैसे एग्जांपल Na2O, MgO, ठीक है, CaO, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या है Na2O, ठीक है, NO, ठीक है, और CO, इसको न्यूट्रल ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। और चौथा फोर्थ वन इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार का ऑक्साइड है भाई, तो ये जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को शो करता है उस तरीके का। तो याद करने का तरीका भी बताए थे जनाबे ने, बेकार गाया, ठीक है, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ठीक है, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे, ये तीनों को मिला के है, ठीक है, सॉरी, जनाबे अली ने बेकार, बेकार ये दोनों मिला के गाया, गाया पंजाबी, पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। तो जनाबे अली ने इसको छोड़ देना, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, इज दैट क्लियर। तो ये आपका हो रहा है। अब इसमें क्या है एम्फोटेरिक, यानी कि यदि हम इसका रिएक्शन कौन सा ले लें, SnO2, SnO2 का रिएक्शन यदि हम लोग किसके साथ करवाएं, HCl के साथ, HCl के साथ, तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, बेस की तरह, और क्या बन जाएगा SnCl2, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन वही SnCl2 का रिएक्शन यदि हम लोग NaOH के साथ करवाएं, जो क्या है बेस, तो ये बन जाएगा एसिड, यहाँ पे क्या है ये बेस, और यहाँ पे ये क्या है एसिड, एम्फोटेरिक तभी तो हुआ, और ये क्या बन जाएगा Na2SnO2, ठीक है, SnO2, और साथ ही साथ क्या बनेगा वाटर, यहाँ रिलीज हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये पूरा का पूरा हम लोग समाप्त किए क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, अपना ऑक्सीजन क्या होता है पूरा खत्म होता है, ठीक है, हालांकि था तो बहुत कम ही, इतना नहीं था जितना हम आपको बताए हैं, ठीक है, आपको जितना पढ़ना है मतलब जितना NCERT में उससे तो बहुत ज़्यादा बताएं, ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब हम लोग देखेंगे ओजोन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, ओजोन, ये अपना नया जो है वो क्या है ओजोन, ठीक है, दैट इज O3, यही है ना ओजोन, और ये इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन तो कई बार एग्जाम में पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं, प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन पे, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो बोलता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय
इट इज प्रिपेयर्ड बाय बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक ठीक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन ठीक है थ्रू प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन ठीक है थ्रू प्योर एंड ड्राई दोबारा ड्राई ऑक्सीजन ठीक है तो प्योर और ड्राई ऑक्सीजन से हम लोग क्या पास करवाएंगे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठीक है और ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा O3 का फॉर्मेशन करता है रिएक्शन क्या हो जाएगा तो रिएक्शन होगा 3O2 ठीक है और ये क्या बनेगा 2O3 और इसका डेल एच जो होगा हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं डेल एच जो होता है वो प्लस 142 ठीक है किलो जूल पर मोल होगा ठीक है और ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस होती है आपका एंडोथार्मिक यानी हीट जो है वो क्या कर रहा है देना पड़ रहा है ठीक है और रीजन जो है आखिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का लेने का उसके बारे में यदि हम देखें ठीक है रीजन क्या रीजन आ रहा है भाई तो बोलता है सिंस फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस सो इट इज नेसेसरी टू यूज ठीक है सो नेसेसरी टू यूज ठीक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठीक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन its preparation ठीक है to prevent its decomposition ठीक है ये कहीं डिकम्पोज ना हो जाए बनने के बाद इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक साइलेंट डिस्चार्ज जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आया बात समझ में यही रीजन ठीक है इट इज कैरिड आउट इन ओजोनाइजर ठीक है और ओजोनाइजर पूरा एक मतलब सेटअप होता है जिसमें कि ये किया जाता है हालांकि एनसीईआरटी में भी कोई डायग्राम वगैरह नहीं है लेकिन कोई भी अगर आप बुक यदि देखते हैं तो वहाँ पर पूरा इसका डायग्राम वगैरह भी दिया हुआ है पूरा कंटेनर का कैसे कैसे होता है लेकिन वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ठीक है तो बस इतना लिख देते हैं हम कि इट इज कैरिड आउट इन ओजोनाइजर नाम याद रखेंगे ठीक है इट इज कैरिड आउट ठीक है इन ओजोनाइजर ठीक है कैरिड आउट इन ओजोनाइजर इज दैट क्लियर मिक्सर ऑब्टेंड खास बात
मिक्सचर ऑब्टेंड ऑब्टेंड 5 to 10% ठीक है ओजोन ओजोन एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड कितना परसेंट बनता है केवल 5 से 10% ओजोन जो है आपको बनता हुआ नजर आएगा ठीक है एंड एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड मिक्सचर इज कॉल्ड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन ओजोनाइड ऑक्सीजन इज दैट क्लियर इसको क्या हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं ठीक है प्रॉपर्टीज की बात करें ठीक है प्रॉपर्टीज की बात करें प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या आएगा कि प्योर ओजोन इज पेल ब्लू ये थोड़ा सा कलर ध्यान में रखना कि प्योर प्योर ओजोन ठीक है प्योर ओजोन इज पेल ब्लू ठीक है गैस ठीक है विच कंडेंसेस इनटू इनटू ब्लैक ब्लू लिक्विड समझ में आया पेल ब्लू गैस से किस में जा रहा है डार्क ब्लू लिक्विड डार्क ब्लू लिक्विड डार्क ब्लू लिक्विड एंड ऑन सॉलिडिफिकेशन सॉलिड बनाते हैं तब ऑन एज ऑन एंड ऑन सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन ठीक है गिव्स गिव्स वॉयलेट ब्लैक सॉलिड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड ये बनाता है इसमें थोड़ा सा जो है ना कलर पे ध्यान रखें ये पेल ब्लू गैस जो है वो ठीक है उसके बाद डार्क ब्लू लिक्विड बना ठीक है और ये जो है वॉयलेट ब्लैक सॉलिड बना इस पे थोड़ा सा जो है ये ध्यान रखेंगे इसका क्या किस तरीके से हम लोग इसका कलर जो है वो हम लोग दिखाएंगे ये इम्पोर्टेंट ठीक है उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज पे यदि हम जाएं सेकेंड प्रॉपर्टीज सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल अनस्टेबल तो सबको पता है ये ओजोन जो होता है वो थर्मोडाइनेमिकली क्या रहेगा अनस्टेबल रहता है ठीक है विद रेस्पेक्ट टू ओ टू विद रेस्पेक्ट टू ओ टू ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ओजोन ओजोन ऑक्सीजन में क्या है कंप्लीट डबल बॉन्ड बना हुआ है लेकिन इसमें क्या है वो तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेट करके ओजोन को बनाया हुआ ठीक है और कितना जद्दोजहद करके बन रहा है ये सब हम लोग जान रहे हैं ठीक है तो क्या हम लिखेंगे ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल ठीक है अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ठीक है विद रेस्पेक्ट टू ओ टू ठीक है सिंस इट डिकम्पोजेस टू सिंस इट डिकम्पोजेस टू ओ टू ठीक है ये किसमें डिकम्पोज हो जाएगा ओ टू में रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ हीट रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ क्या बाहर निकलेगा हीट बहुत जबरदस्त हीट ठीक है ये क्या हो जाएगा हीट काफी बाहर निकलेगा और हीट बाहर निकल रहा है इसका मतलब डेल एच जो है यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव ठीक है यानी कि क्या होगा ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा एंड इंक्रीज इन ठीक है एंट्रोपी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी एंट्रोपी जो है उसको बढ़ा देगा
यदि आपको याद, आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा, तो यदि हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, यहाँ यहाँ पे जो हम लिखे हुए, ठीक है, तो देखिए किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओजोन का, ठीक है, तो ये तो फॉर्मेशन है। तो यदि हम लोग यहाँ पे इसका डेलेंजी निकालें, ठीक है, यहाँ पे अपना इसका डेलेंजी क्या होगा, डेलेंजी डेल एन जी बराबर क्या निकलता है, डेलेंजी बराबर क्या हो जाएगा, वही 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1, और ये -1 बेसिकली क्या है, ये आपका फॉर्मेशन। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन में तो ये निगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और एंट्रोपी जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज किसका हो गया, इंक्रीज इन एंट्रोपी हो गया, और इंक्रीज इन यदि एंट्रोपी हो जा रहा है तो यहाँ पे फिर डेल एन जी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज दैट क्लियर। और यही दो फैक्टर, दीज टू फैक्टर, ठीक है, यदि कोई बात समझने में प्रॉब्लम आए तो वीडियो दोबारा आप, हम रिकॉर्ड जब करके भेजें, रिकॉर्डेड जब अपलोड करेंगे तो दोबारा आप उसको सुनेंगे, ठीक है, कि क्या लिख रहे हैं, दीज टू फैक्टर्स, ठीक है, ईच, ठीक है, रिइनफोर्स ईच अदर, ठीक है, ईच टू फैक्टर्स रिइनफोर्स, ठीक है, ईच अदर रिइनफोर्स ईच अदर, ठीक, रिजल्टिंग, ये दो फैक्टर थे, ठीक है, रिजल्टिंग इन लार्ज निगेटिव गिव्स एनर्जी चेंज, लार्ज, ठीक है, लार्ज निगेटिव गिव्स एनर्जी चेंज, काफी ज्यादा गिब्स एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है, वो क्या हो गया, डेल जी थर्मोडायनेमिक्स वाला, ठीक है, कन्वर्जन टू ऑक्सीजन, सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3, सो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O3, ठीक है, कैन बी डेंजरस, यानी कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O3 जो रहता है वो काफी डेंजरस रहता है और एक्सप्लोसिव रहता है, ठीक है, कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हम लोग चीज इसका प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं अब, थर्ड वाला पॉइंट, वो क्या है बेटा, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ये अपना इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए क्या। तीसरा जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो कहता है इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ओजोन के बारे में हालांकि, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक क्या है, पूरा पूरी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हम, इट इज, इट एक्ट एज अ, वॉट, इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ड्यू टू ईज ऑफ रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन,
एसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आसानी से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा O3, और आसानी से ये किसमें टूट गया था O2 में, और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट ऑक्सीडाइज एक्शन इज मोर इन एसिडिक मीडियम, ये भी ध्यान में रखना। एंड इट्स ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स सॉरी ऑक्साइड्स एक्शन ऑक्सीडाइज एक्शन इज मोर इन एसिडिक मीडियम, ये ध्यान में रखना है। एसिडिक मीडियम में ये अपना ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है कुछ ज़्यादा दिखाने लग जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बताएंगे आपको हम, क्या रिएक्शंस है। तो भाई ये जनरली O3, ठीक है, किस में टूट रहा है ये O2 में, और क्या हो रहा है ये H2O, ठीक है। तो ये कैसे यहाँ पे होगा, यदि हम लोग यहाँ क्या कर देंगे टू इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे फोर हाइड्रोजन एच प्लस। अब देखें, अब ये पूरा आपको नजर आया, ठीक है। और एन फैक्टर कितना आ रहा है आपका, चेंज कितना आ रहा है, एन इज इक्वल टू टू में, ठीक है, दो कहीं चेंज आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे और एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, ये ओ थ्री प्लस एन ओ, एन ओ ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है ओ टू में, ओ टू में, और साथ ही साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा एन ओ टू, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, ये रिएक्शन हुआ कैसे हुआ होगा, ठीक है, ये O3 रहा होगा, ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ होगा O2 और साथ ही साथ ऑक्सीजन में, इज दैट क्लियर। और ये फिर NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड अपना इसमें क्या जुड़ा होगा, ये O, ठीक है, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया NO2, ये कट जाएगा ओवरऑल। यदि आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो क्या आएगा O3 प्लस NO, NO और क्या बनता जाएगा टू और प्लस NO2 नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इसी में यदि हम दूसरा एक ले ले, जैसे कि वाटर ले ले H2O और इसमें कर दें SO2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा SO3, SO3, ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे प्लस 2H प्लस, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो बैलेंस करने के लिए तो लिखना पड़ेगा, ये सब रेडॉक्स में बैलेंसिंग आपको सिखाया गया, इसलिए बैलेंस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि टाइम अपना चला जाए, ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या, और एक चीज़ यहाँ आपको बता दें, ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे, ये O3 से हम कहाँ आ रहे हैं O2, कहाँ आ रहे हैं O2, तो होगा क्या, होगा क्या कि ICE जो रहेगा बोलते समय, ठीक है, नाइट्राइट, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ATE में, नाइट्रेट, अंडरस्टूड, जिसके लास्ट में ITE है वो किस में होगा सल्फेट, अंडरस्टूड, कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट अपने पास है NO2 माइनस, ठीक है, SO3 माइनस 2, ठीक है, उसके बाद A, ASO3 माइनस 2, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारे थोड़ा सा लाइनिंग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ये सारे कन्वर्ट किस में हो जाएंगे NO3 में, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करवाने पे ध्यान में रखना, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाने पे NO3 माइनस में, ठीक है, SO4 माइनस 2 में, ठीक है, ASO3, ठीक है, ये एक SO2 कर हो गया, SO2 माइनस 3, ठीक है, SO3 माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा NO2 जो है
SO2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2, ठीक है, NO3, ठीक है, और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एनओ एनओ टू में बदलेगा, ऐसा करो। ठीक है, उसके बाद थर्ड यदि हम बात करें तो ये एच एक्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, X2 में, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एक्सेप्ट एच एफ नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना है ओजोन के साथ, ठीक है। चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, तो ये कन्वर्ट होगा पीबीएस ब्लैक, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 वाइट, ठीक है। और यदि हम लोग देखें और एक आध देख लेते हैं क्या हो सकता है, तो HG के बारे में थोड़ा और आपको बता देते हैं, HG, ठीक है, ये फिफ्थ जो है दैट इज HG, HG जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HGO में, और इसको टेलिंग ऑफ HG भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेलिंग ऑफ HG ये कहा जाता है। टेलिंग ऑफ HG जो है वो बेसिकली आपका टेस्ट भी है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ ओजोन, ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ ओजोन, ठीक है, ओजोन के टेस्ट के लिए हम ये रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, होता है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, टेस्ट ऑफ ओजोन बेसिकली इसमें होता क्या है वो बताते हैं, ठीक है, होता क्या है कि प्योर मर्करी इज मोबाइल लिक्विड, पता है आपको, ठीक है, प्योर मर्करी यहाँ क्या हम लोग बात करेंगे कि प्योर मर्करी HG इज मोबाइल लिक्विड, ठीक है, प्योर मर्करी इज मोबाइल लिक्विड होता है, ठीक है, बट इट लूजेस मोबिलिटी when it comes, ठीक है, when it comes to contact with ozone, ठीक है, and it starts sticking. Sticking glass surface. ठीक है, due to forming, ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है, ओजोन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद HG जो है वो पारा, देखते हैं ना, इधर उधर छटकता है, टेम्परेचर नापने के भी काम में आता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो लिक्विड होता है, मोबाइल लिक्विड होता है, लेकिन जब वो ओजोन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका जो मोबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाता है और वो चिपकना चालू करता है, ठीक है, ओजोन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद बेसिकली HG कन्वर्टेड इनटू HCO, वो चिपकना चालू होता है, जिसके कारण अपने को ये भी पता चलता है कि यहाँ पे ओजोन है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो ओजोन के टेस्ट में शामिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो चल रहा था बेसिकली यही O2 जो है, तो छठा रिएक्शन अपने पास ये है, सिक्स वाला,
क्या है भाई? तो ड्राई आई टू जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, I4O9 में, ठीक है। और ये I4O9 भी जो है वो एक तरह से किसका किसका मिक्सचर है, तो I IO3 -O3, ठीक है, प्लस आई, ठीक है, I+3 का मिक्सचर है ये बाद में ध्यान में रखना, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। और यदि हम मॉइस्ट I2 की बात करें, मॉइस्ट I2 तो ये कन्वर्ट हो जाता है HIO3। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, जी हाँ, रिएक्शंस हम लोग देख लिए ओजोन का, ठीक है, यानी कि एक तरह से पूरा प्रॉपर्टीज जो था वो देखें। अब इसमें एक चीज जो आता है, लास्ट टॉपिक आज का बताते हैं, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, ये देख लेते हैं छोटा सा, क्या है ये एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, ये भी पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन बेसिकली होता क्या है, वही 2KI जो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और प्लस अपना क्या रहेगा, ओजोन O3 जो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, साथ ही साथ क्या ले लेंगे हम लोग, वाटर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, साथ ही साथ कन्वर्ट हो जाएगा I2 और साथ ही साथ कन्वर्ट हो जाएगा 2KOH में, ठीक है। तो व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सीएम आयोडाइड, ये क्या लिख लेंगे हम लोग, व्हेन ओजोन इज रिएक्ट्स विद, ठीक है, एक्सेस ऑफ पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, विथ बोरेट बफर, ठीक है, विथ KI सॉल्यूशन, विथ अ बोरेट बफर, बोरेट बफर आयोडीन इज लिबरेटेड, आयोडीन इज लिबरेटेड, ठीक है, आयोडीन इज लिबरेटेड। और ये तो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन हो गया, ठीक है, ये तो एस्टिमेशन ऑफ क्या हो गया, ओजोन। लेकिन एक चीज और बता दे आपको कि आयोडीन यदि कहीं लिबरेट कर रहा है I2, ठीक है, और इसके साथ यदि 2Na2S2O3 मिल गया, तो ये जो है Na2S2O3 और साथ ही साथ 2NaI बना देगा, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जो मेथड है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्या है ये, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं है, इससे पहले जो भी हम लोग देखते हैं वो एक तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है बेसिकली, लेकिन ये आपका कौन सा है, क्वांटिटेटिव। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे यहाँ पे कि दिस मेथड इज क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव method for, ठीक है, method for estimation of O3, estimation of O3, ठीक है, ये चीज आ गया। अब depletion of ozone layer की भी बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा, depletion of O3, ठीक है, ओजोन लेयर ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप, बस छोटा सा लिख करके हम कैसे डिप्लेट होता है वो बता देते हैं, बेसिकली O3+NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड अपना जो है वो नाइट्रिक, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जेट वगैरह से, सुपरसोनिक जेट से निकलता है, ठीक है, सुपरसोनिक जो जेट वगैरह जो है ना उससे निकलता है और उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, NO2 और साथ ही साथ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे डिप्लेट होने के चांसेस होते हैं,
एक तो ये बताएं ये कहाँ से सुपरसोनिक जेट वगैरह से निकलते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं NO2 और साथ ही साथ O2 में, ठीक है, फ्रॉम सुपरसोनिक जेट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो पहला वही लिख देते हैं, फ्रॉम कैसे हो रहा है, फ्रॉम सुपरसोनिक जेट, ठीक है, इससे दूसरा कहाँ से हो रहा है, यूज ऑफ CFCs, यूज ऑफ CFCs, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहाँ यूज होता है भाई ये, तो रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर में मिलता हुआ आपको मिलेगा, रेफ्रिजरेटर में मिलता है, एसी में मिलता है, ठीक है, गाड़ी में भी मिलता है कहीं कहीं, ठीक है, तो एसी इस्तेमाल होगा तो उसमें रहेगा ही, तो ये थोड़ा सा कुछ रीजन है जो है आपका पॉल्यूशन, उसमें भी आपका जो है वो डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर, तो ये बेसिकली हम लोग आज जो है वो ख़त्म किए ओजोन को, ठीक है, पूरा पूरी ओजोन को ख़त्म किए, उसके सारे प्रॉपर्टी को, ठीक है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म किए, ठीक है, आज यहाँ से चालू हुआ था अपना बायो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट किए थे वो ख़त्म हुआ, यानी कि पूरा पूरा जो डाई ऑक्सीजन प्रिपरेशन जितना भी था, किस तरीके से डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रॉपर्टीज जो है सारा कुछ, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड देखे उसमें हम लोग, कितने टाइप के ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, मतलब जितने टाइप हो सकते थे वो देखें, एम्फोटेरिक ओजोन पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन हुआ, क्या रीज़न है उसका, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, कुछ कलर भी बताएं, ठीक है, उसका थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है, क्यों होता है वो सब बताएं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ें हम लोग, ठीक है, कुछ रिएक्शंस भी देखें सारा, ये किसके साथ रिएक्शन होने पे क्या बन जाएगा, ठीक, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन हम लोग पढ़ें, ये ओजोन जो है आपका समाप्त किए आज, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू।